नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस का ही पेपर है ये, प्रीवियस ईयर का पेपर है, पिछले साल का पेपर है। तो क्वेश्चन है ये वाला, सॉरी ये वाला यहाँ से छूटा था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एन ALP? ALP मीन्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, राइट? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। राइट डाउन इन जनरल टर्म्स द एल्गोरिथम फॉर द टास्क प्रोग्राम हैज़ टू सॉल्व यूजिंग फ्लो चार्ट। एक्चुअली दीज आर द स्टेप्स, ए टू ई आर द स्टेप्स गिवन फॉर डेवलपिंग एन ALP। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम लिखते हैं क्या, स्टेप डाउन, स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर होता है। सेकेंड, इनिशलाइजेशन चेकलिस्ट होती है। इंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स डिटरमाइन करने होते हैं रिक्वायर्ड टू डू ईच पार्ट ऑफ प्रोग्राम। स्टार्ट राइटिंग असेंबली लैंग्वेज कोड फॉर द प्रोग्राम और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। तो हमें इनके ये ऑप्शंस करने हैं। देखिए, पहला जो स्टेप होता है ALP को डेवलप करने के लिए वो होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। क्या होता है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। एक्सपैंड द प्रॉब्लम टू गेट अ क्लियर कंसाइज एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। आपको प्रॉब्लम को डिटेल में समझना होता है सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर डिस्क्रिप्शन। सेकेंड होता है आपका एल्गोरिदम फॉर द प्रोग्राम, एल्गोरिदम फॉर प्रोग्राम, ठीक है। थर्ड है आपका ड्रॉइंग द फ्लो चार्ट। थर्ड होता है आपका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना, ड्रॉइंग द फ्लो चार्ट, ठीक है। मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। फोर्थ स्टेप होता है प्रिपेयरिंग इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट, इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट, राइट? मेक अ चेकलिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम लाइक सेगमेंट रजिस्टर्स, फ्लैग्स, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्रामेबल पोर्ट्स एक्सेट्रा। इन सब की आपको इनिशियलाइजेशन करनी होती है। फिफ्थ पॉइंट होता है चूजिंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को चूज करना होता है टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। फिर सिक्स्थ पॉइंट होता है ALP प्रोग्राम को लिखना यूजिंग फ्लो चार्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है, इट इज़ नॉट अ स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ ALP। वंस द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज डेवलप्ड, इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट। इसलिए इसमें स्टेटमेंट ई तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। इसने करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो ये बिल्कुल सही है कि हमें क्या क्या करना होता है। राइट डाउन द ALP, राइट एन इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट, डिटरमाइन इंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स एंड स्टार्ट राइटिंग ALP कोड फॉर द प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ABCD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू अ प्रोसीजर आर। किसी भी प्रोसीजर के लिए पैरामीटर्स को पास करने का क्या मेथड होता है। देखिए, इसमें जो है आपका यूजिंग इंटरप्ट रूटीन होता है क्या, यूजिंग जनरल मेमोरी एंड नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक मेथड फॉर पासिंग पैरामीटर्स टू अ प्रोसीजर, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ मेमोरी लोकेशंस होते हैं। हम मेमोरी लोकेशंस को सेट करते हैं, सेटिंग अप ऑफ मेमोरी लोकेशंस फॉर ईच पैरामीटर, असाइनिंग। उसमें हमने मेमोरी लोकेशन को असाइन करते हैं फिर, जिससे कि इसमें हर एक पैरामीटर आ सके, उसमें इसकी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, देन पासिंग दोज वैल्यूज़ टू द प्रोसीजर, ठीक है। यूजिंग रजिस्टर टू पास वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, मतलब ये भी सही है। इंटरप्ट रूटीन आपका सही नहीं है, ये सही है, ये सही है। ये जो रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, इट इज़ अ मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स, इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ रजिस्टर। इसमें हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर असाइन करते हैं, ओके, असाइनिंग अ रजिस्टर टू ईच पैरामीटर, हर एक पैरामीटर, टू ईच पैरामीटर, हर एक पैरामीटर में हम एक रजिस्टर असाइन करते हैं, एंड इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग वैल्यूज टू देम एंड देन पासिंग दोज वैल्यूज टू द प्रोसीजर। ये मेथड जनरली फास्टर होता है देन मेमोरी लोकेशन मेथड, क्योंकि नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस ऑपरेशंस को रिमूव करता है। तो ये मेथड क्या होता है, फास्टर होता है, ये वाला मेथड, इट इज़ फास्टर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस ऑपरेशंस जो होते हैं रिड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस ऑपरेशंस रिड्यूस होते हैं। उसके बाद यूजिंग द स्टैक टू पास वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ये वेरी एफिशिएंट वे है ऑफ पासिंग पैरामीटर्स, इट इन्वॉल्व्स पुशिंग द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स। ये क्या करता है कि पैरामीटर्स की वैल्यूज को पुश करता है ऑन टू द स्टैक एंड देन पासिंग टू द प्रोसीजर। ये मेथड फास्टर होता है, ये मेथड भी, इट इज़ मोस्ट फास्टर, ये मेथड फास्टर होता है देन, इन दोनों मेथड से फास्टर होता है।
देन जनरल मेमोरी एंड नेम मेमोरी लोकेशंस मेथड एंड रजिस्टर बेस्ड मेथड, क्योंकि इसमें नीड फॉर मेमोरी एक्सेस ऑपरेशंस कम होता है. इंटरप्ट रूटीन जो होता है, इट इज़ नॉट अ मेथड, इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर टू अ प्रोसीजर, बिकॉज एन इंटरप्ट रूटीन क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इसमें इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है दैट आर एग्जीक्यूटेड टू हैंडल सर्टेन इवेंट सच एज हार्डवेयर इंटरप्ट होती है, या इसमें जो होती है सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन होता है, डज नॉट अलाउ फॉर द पासिंग ऑफ पैरामीटर्स टू अ प्रोसीजर. इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट होगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ. फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या सही है, बी सी डी, तो आपका ये सही है. ए ऑप्शन इज नॉट राइट, बी सी डी ओनली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर एन आर एस फ्लिप फ्लॉप. आर एस मतलब रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. देखिए आर एस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, आर रिप्रेजेंट्स द रीसेट स्टेट, यू नो, एंड इट मीन्स क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रीसेट. इट मीन्स क्या होता है कि आउटपुट जो होगा इट विल ऑलवेज बी लो, ये हमेशा लो होगा. इट विल ऑलवेज बी लो फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनपुट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनपुट, किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू हमेशा लो होगी. एस का मतलब क्या होता है, एस रिप्रेजेंट सेट स्टेट. इट मीन्स कि आउटपुट विल बी हाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनपुट. तो इसका ट्रुथ टेबल अगर आप लिखो, आर एस एंड क्यू एन प्लस वन, 0 0 0 1 1 0 1 1. तो देखिए 0 0 पे ये नो चेंज होता है, वन रीसेट है तो आउटपुट 0 होगा, सेट 1 है तो 1 होगा, और 1 1 में ये इनवैलिड स्टेट देता है, राइट. इधर पे एक्चुअली मेरा मार्कर जो है ना इधर से इधर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ये इनवैलिड स्टेट होता है. ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, रुकिए. इधर यहाँ पे इनवैलिड स्टेट होती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आप इसमें देखिए कंडीशन पढ़िए, क्या कंडीशन है. आर इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू ज़ीरो, कि एन प्लस वन इज इक्वल टू, इट मीन्स नो चेंज है, ये ट्रू है. नहीं, ये ट्रू कैसे होगा, रुकिए. क्यू एन प्लस वन वन कैसे, नो चेंज होना चाहिए, तो ये इसलिए गलत है. फिर कह रहा है क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा. ज़ीरो ज़ीरो पे क्यू एन प्लस क्यू एन होगा, मतलब प्रीवियस वैल्यू होगी, तो नो चेंज है, तो ये सही है. वन है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो होगा, क्योंकि रीसेट वन है, तो क्यू ज़ीरो होगा नेक्स्ट स्टेट. सेट वन है, तो ये वन होगा, तो ये सी डी ई ऑप्शन बिल्कुल सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टेप्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू पॉजिटिव नंबर्स एम माइनस एन यूजिंग आर माइनस वन्स कॉम्प्लीमेंट आर. देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग साइन इंटीजर्स. ये साइन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा मेथड होता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्ट द गिवन नंबर, देन सिंपली इन्वर्ट द गिवन नंबर, टेक वन्स कॉम्प्लीमेंट, एड वन टू द एलएसबी. पॉजिटिव नंबर्स को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका जो, इसमें केवल आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि एड द माइन्यूएंट एम टू द आर माइनस वन देंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड एन, तो ये ट्रू है. फिर इफ एन एंड कैरी अकर्स एड वन टू द एलएसबी, ये भी ट्रू है. If and carry does not occur, take the r minus 1's complement of the number obtained in step A and take place negative sign in front. ये भी true है. ये गलत है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे आपका A, B, C only होगा. ठीक है, next question है which of the following statements are correct. देखिए अब इसमें correct statements बता रहा है. इसमें इसने क्या पूछा है, देखिए कि इन अ बूस्ट रेगुलेटर द आउटपुट वोल्टेज इज फिल्टर्ड विद चोक इनपुट फिल्टर. रेगुलेटर क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो पहले तो हम बूस्ट कन्वर्टर जो है, या ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है. ये इंडक्टर होता है, यहाँ पे आपका जो होता है मॉस्फेट होता है ऐसे. ठीक है, यहाँ पे ये जो है एक डायोड होती है, यहाँ पे ये कैपेसिटर होता है, और यहाँ पे एक लोड होता है, मतलब ZL. ठीक है, तो एक मॉस्फेट है, यहाँ पे इंडक्टर है, डायोड है, कैपेसिटर है, मतलब आउटपुट में आपका कैपेसिटर होता है, फिर इनपुट में आपका इंडक्टर होता है, एक मॉस्फेट होता है, यहाँ पे आपका सप्लाई वोल्टेज होता है प्लस माइनस VS. ठीक है, अब यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रही है, IS, यहाँ पे L. ठीक है, यहाँ पे S है ये.
तो अब आप इसमें देखिए, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, क्यों? टू फिल्टर द रिपल्स, रिपल्स को फिल्टर करने के लिए क्या करता है, रिपल्स क्या होते हैं, अनडिजायर्ड एसी आउटपुट, रिपल्स को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसको कैपेसिटर इनपुट फिल्टर लगाते हैं इसमें। फिर चोक इनपुट फिल्टर कंसिस्ट्स ऑफ एन इंडक्टर, जैसे इसने ये क्वेश्चन दिया था आउटपुट वोल्टेज इज फिल्टर्ड विद चोक इनपुट फिल्टर, नहीं ये गलत है, इसमें कैपेसिटर इनपुट फिल्टर लगा है। कैपेसिटर चोक इनपुट फिल्टर में तो एक इंडक्टर होता है कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, लोड के पैरेलल में यहाँ पे इंडक्टर लगेगा, इसलिए गलत है। अ कैपेसिटर में भी नीडेड इन अ डिस्क्रीट वोल्टेज रेगुलेटर टू प्रिवेंट ऑसिलेशंस, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट ये सही है। थर्मल शट डाउन अकर्स इन एन आईसी रेगुलेटर इफ इंटरनल टेम्परेचर इज टू हाई। देखिए, इन पावर सप्लाईज फिल्टर इज फॉर्म बाई यूजिंग अ लार्ज कैपेसिटर, क्योंकि लार्ज कैपेसिटर क्या करता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc से अगर कैपेसिटर लार्ज होगा तो क्या होगा, इट ऑफर्स लो रिएक्टेंस टू द एसी कंपोनेंट, यहाँ पे ये लो रिएक्टेंस प्रोड्यूस होगा। सो एसी कंपोनेंट कैन बी रिमूव्ड और रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग अ लार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल टू द लोड एंड ऑसिलेशंस इन द आउटपुट गेट प्रिवेंटेड। इससे क्या होगा, अगर लो रिएक्टेंस होगा तो ऑसिलेशंस आउटपुट में प्रिवेंट हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हमेशा इसमें कैपेसिटर्स हम हाई रखते हैं, सो दैट लो रिएक्टेंस इज प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए बी इज करेक्ट, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, कि इसने बोला कि थर्मल शटडाउन होता है। आईसी रेगुलेटर का एक टेम्परेचर सेंसर होता है, यू नो इसमें टेम्परेचर सेंसर होता है, बिल्ट इन होता है, दैट टर्न्स ऑफ द आईसी, जो आईसी को ऑफ कर देता है जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो आउटपुट करंट ड्रॉप हो जाएगी एंड रिमेन्स देयर अंटिल द आईसी हैज कूल्ड सिग्निफिकेंटली, इसलिए ये बिल्कुल सही है। एन इंक्रीज ऑफ लाइन वोल्टेज इन टू अ पावर सप्लाई प्रोड्यूसेज एन इंक्रीज इन लोड वोल्टेज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अ सीरीज रेगुलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्विचिंग रेगुलेटर, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो होगा बी सी एंड डी ओनली, क्या होगा, बी सी एंड डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, जैसे इसने बोला है कि क्या बोला है इसने, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज अ कंपैरेटर सर्किट विद वी रेफरेंस इक्वल टू जीरो, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट। अभी कंपैरेटर है, इसके लिए आपने पढ़ा होगा एक शिमिट ट्रिगर सर्किट आता है, एक शिमिट ट्रिगर सर्किट होता है, ठीक है। शिमिट ट्रिगर सर्किट क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक कंपैरेटर सर्किट होता है जो कि एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है, ठीक है। व्हेन द ऑब्टेन्ड स्क्वायर वेव पासेस थ्रू एन इंटीग्रेटर, तो ट्रायंगुलर वेव ऑब्टेन होती है, इसने बोला ट्रायंगुलर वेव कैन बी जनरेटेड बाय इंटीग्रेटिंग अ स्क्वायर वेव, नो, डी बाय डीटी ऑफ आरटी इज इक्वल टू यूटी, जनरली ये रैंप होता है, ये ट्रायंगुलर होता है आरटी। तो जब हम यूटी कैसे प्रोड्यूस होगा, बाय इंटीग्रेटिंग अ स्क्वायर वेव, इंटीग्रल यूटी डीटी इज इक्वल टू आरटी। तो व्हेन द ऑब्टेन्ड स्क्वायर वेव पासेस थ्रू एन इंटीग्रेटर अ ट्रायंगुलर वेव इज ऑब्टेन्ड, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड, ये जैसे इसने बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव जनरेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिगर लेवल्स ऑफ कंपैरेटर। देखिए, फ्रीक्वेंसी जो होता है जनरेटेड स्क्वायर वेव का किस पर डिपेंड करता है, ये दो वोल्टेजेस होते हैं, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, तो इन पर डिपेंड करता है। जब हम वोल्टेज को ट्रिगर करते हैं, दैट इज VUT एंड VLT जीरो, VUT एंड VLT ये ज़ीरो होते हैं, तो शिमिट ट्रिगर को हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर कहते हैं। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर शिमिट ट्रिगर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपका अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज दोनों ज़ीरो होते हैं, तो शिमिट ट्रिगर को जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसने बोला एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज़ यूज टू जनरेट पल्सेज ऑफ डिजायर्ड ड्यूरेशन, देखिए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक पॉजिटिव फीडबैक वाला सर्किट है, ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये एक पॉजिटिव फीडबैक वाला सर्किट है, ठीक है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट एंड इसकी कोई स्टेबल स्टेट्स नहीं होती, इट हैज़ नो स्टेबल स्टेट्स, नो स्टेबल स्टेट्स, ओके। इट्स आउटपुट ऑसिलेट्स बिटवीन टू स्टेट्स, इसका आउटपुट दो स्टेट्स के बीच में ही ऑसिलेट करता है, एंड इट जनरेट्स ओनली अ स्क्वायर वेव ऑफ 50% ड्यूटी साइकिल, ये 50% ड्यूटी साइकिल की ही स्क्वायर वेव जनरेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटमेंट सी आपका, ये जो अभी आपने बताया, ये कि इट इज़ यूज टू जनरेट पल्सेज ऑफ डिज़ायर ड्यूरेशन, तो ये तो मेरे ख्याल से ये नहीं, स्क्वायर वेव जनरेट करता है, इसलिए गलत होना चाहिए ये, ठीक है।
पल्स बोल रहा है. द फेज शिफ्ट एंड वेन ब्रिज आर कॉमनली यूज साइन वेव ऑसिलेटर्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी. नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होता है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, इसलिए ये गलत है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्क्वायर वेव जनरेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिगर लेवल्स ऑफ कंपैरेटर. गलत है, ये तो उस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है VUTLT पे. तो जो ये इट इज जो आपका ये अस्टेबल है, ये दोनों वेव्स के बीच, दोनों 50% ड्यूटी साइकिल की स्क्वायर वेव जनरेट करता है और दोनों स्टेट्स के बीच में वो ऑसिलेट करता है. तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए एंड ई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर मस्ट हैव डीसी लो डीसी ऑफसेट एज वेल एज लो आउटपुट इम्पिडेंस. बिल्कुल ट्रू है. अ वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर LED एंड जिनर डायोड टेस्टिंग. ये भी ट्रू है. ठीक है, पहले तो आप देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ये प्रिसीजन इंटीग्रेटेड ओपैम्स होते हैं. ये क्या होते हैं, प्रिसीजन इंटीग्रेटेड ओपैम्स होते हैं, राइट, दैट हैव डिफरेंशियल इनपुट एंड सिंगल एंडेड और डिफरेंशियल आउटपुट. डिफरेंशियल आउटपुट होता है इसका, क्या होता है, डिफरेंशियल आउटपुट होता है. सम ऑफ देयर की फीचर्स क्या होता है कि इनका हाई CMRR होता है, ठीक है, हाई ओपन लूप गेन होता है, लो DC ऑफसेट होता है जो आपने पढ़ाई है, लो आउटपुट इम्पिडेंस होता है, लो ड्रिफ्ट होता है, हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, ठीक है, तो लो नॉइज़ भी होती है इसमें, लो नॉइज़ भी होती है. ठीक है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर को आप ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं. फ्लोटिंग लोड V2I कन्वर्टर्स आर यूज्ड एज लो वोल्टेज AC एंड DC वोल्ट मीटर्स. जो ये आपके फ्लोटिंग लोड, जहाँ पे लोड एम्पिडेंस फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग लोड V2I कन्वर्टर्स एज यूज्ड एज लो वोल्टेज AC एंड DC वोल्ट मीटर्स. जैसे बी तो ट्रू है. फिर ये कह रहा है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर. देखिए, इनको हम ट्रांस रेजिस्टेंस बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस नहीं होता है, ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर होता है, इसीलिए ये गलत है. फिर है, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट इज़ यूज्ड इन डिजिटल टू एनालॉग इंटरफेसिंग. इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एनालॉग टू डिजिटल, नॉट यूज्ड फॉर ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए नहीं यूज़ होता है. ये क्या करता है, इट जस्ट सैम्पल्स कैप्चर टेक्स द वोल्टेज ऑफ ए कंटिन्यूसली वेरिंग एनालॉग सिग्नल. कोई भी कंटिन्यूसली वेरिंग एनालॉग सिग्नल है, उसके सैम्पल को टेक करता है, ठीक है, कंटिन्यूसली इट टेक्स, दैट मीन्स सैम्पल करता है, कैप्चर करता है, टेक करता है, होल्ड करता है, एंड होल्ड्स मतलब लॉक करके रखता है, स्टॉप कर देता है, फ्रीज करती है उसकी वैल्यू एट अ कॉन्स्टेंट लेवल फॉर अ स्पेसिफाइड मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम. ये एसेंशियल होता है फॉर मिनिमाइजिंग वोल्टेज स्क्यू एरर्स ड्यूरिंग द A to D प्रोसेस एज दे होल्ड द इनपुट वोल्टेज टू द ADC कॉन्स्टेंट. ये वोल्टेज स्क्यू एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी होता है ड्यूरिंग A to D कन्वर्जर, क्योंकि इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट लेवल पर ले जाता है. इसीलिए इसने बोला डिजिटल टू एनालॉग इंटरफेसिंग है, तो ये गलत है. ये ADC के इनपुट वोल्टेज को होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ठीक है. फिर है, प्रिसीजन रेक्टिफायर में, प्रिसीजन डायोड में नेवर बी यूज्ड एज अ पीक वैल्यू डिटेक्टर. देखिए, प्रिसीजन रेक्टिफायर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रेक्टिफाइंग वोल्टेजेस दैट आर ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड दैन द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप. यानी कि जो इस इन वोल्टेजेस को रेक्टिफाई कर सकता है जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो डायोड से. प्रिसीजन रेक्टिफायर को पीक डिटेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, पीक डिटेक्टर की तरह यूज़ करते हैं बाय कनेक्टिंग कैपेसिटेंस एट द आउटपुट. इट विल बाय दिस केस ये क्या करेगा, इट विल चार्ज द कैपेसिटेंस टू इट मैक्सिमम वैल्यू इन अ पॉजिटिव साइकिल एंड इस पीक वैल्यू को ये नेगेटिव साइकिल में रखता है. हैंस एक्टिंग लाइक अ पीक डिटेक्टर. हैंस इसीलिए स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स है. तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका ए एंड बी ऑप्शन होगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री फॉर अ टू पोर्ट नेटवर्क विद जी पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम इंटर रिलेशनशिप ऑफ एच एंड जी पैरामीटर्स. देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ कंडीशन बता देती हूँ. Z11 इज इक्वल टू Z22, Y11 इज इक्वल टू Y22, A इक्वल टू D, H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू 1, एंड ये आपका जी पैरामीटर है, G11 G22 माइनस G12 G21 इक्वल टू 1. ये सारे ये कंडीशन फॉर सिमेट्री है. दिस इज कंडीशन फॉर सिमेट्री, ठीक है. उसके बाद कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी क्या है, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी
कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी है कि जेड वन टू इज इक्वल टू जेड टू वन, वाई वन टू इज इक्वल टू वाई टू वन, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन, एच वन टू इक्वल टू माइनस एच टू वन एंड जी वन टू इज इक्वल टू माइनस जी टू वन। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन ट्रू है, द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी जी वन टू इक्वल टू माइनस जी टू वन ये सही है, ए भी सही है। नेवर लीड्स इन कंडीशन ऑफ ये गलत है, द सिमेट्री कंडीशन इन एच एंड जी पैरामीटर कैन बी ड्यूस फ्रॉम नो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर फंक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द नेटवर्क्स विच हैव ओनली टू पोर्ट्स। तो ये गलत, देखिए ट्रांसफर फंक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द नेटवर्क्स दैट हैव एटलीस्ट टू पोर्ट्स, एटलीस्ट टू पोर्ट्स होने चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है और ये सही है, कम से कम टू पोर्ट्स होने चाहिए, एटलीस्ट ओनली नहीं आएगा। फिर ये कह रहा है द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्म्स ऑफ वन करंट टू अनदर करंट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर रेशियो। तो ये जो है आपका ये सही है, आई वन बाय आई टू को करंट ट्रांसफर रेशियो बोलते हैं। द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्म्स ऑफ वन वोल्टेज टू द करंट इज कॉल्ड ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन। तो ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल वेयर ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो जब भी देखिए इनपुट करंट होगा, आउटपुट करंट होगा, तब आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, करंट का आएगा। जब आपका इनपुट करंट का होगा, आउटपुट वोल्टेज का होगा, तो V बाय आई ट्रांस रेजिस्टेंस का आएगा। जब आपका दोनों वोल्टेज का होगा तो वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन होगा, जब ये वोल्टेज का होगा ये करंट का होगा तो ट्रांसकंडक्टेंस का होगा। तो यहाँ पे आप देखिए B एंड C आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे पहली बात तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इंटीग्रल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड लेवल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, खूब लंबे लंबे फॉर्मूलेज लिखे होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे इसने लिखा, जैसे एक फार्मूला होता है आपका, जैसे ये फार्मूला है इंटीग्रल ई सी टू ई टी एनी ऑफ एफ ई डी ई, इट गिव्स द, ये स्मॉल एफ ई होगा, इट गिव्स द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या देता है, कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है फ्रॉम एनर्जी ई सी टू ई टी। ई सी क्या होता है, इट डिनोट्स द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड ई टी डिनोट्स द टॉप ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन रिप्लेस ई टी विद इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन कंडक्शन बैंड, वो क्या होता है, एन नॉट इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाय के टी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे ये जो एन ई है, ये एन ई, ये क्या होता है, इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाउड स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स ओवर एनर्जी। एफ ई क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल अलाउड स्टेट्स, एफ ई क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल allowed states for electrons over energy। तो यहाँ पे fraction of total allowed states being occupied by an electron, sorry, Fe is the fraction of total allowed states being occupied by electron, being occupied by electron, ठीक है, यहाँ पे इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन सही होंगे, एक तो आपका ए ऑप्शन सही है कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड लेवल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज दिस मच, दूसरा ये वाला है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ ये माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी होता है, और ये जो है ये भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सी टी को बोल सकते हैं कि कैन बी रिप्लेस विद ई टी को हम इन्फिनिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज गिवन एज, देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन आपके पास होता है डी एन बाय म्यू एन इज इक्वल टू डी पी बाय म्यू पी इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू के टी बाय क्यू। डी एन क्या होता है, डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डी पी डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ होल्स होता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि डी क्या होता है, डिफ्यूजन कॉफिशियंट,
ठीक है, म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू पी मोबिलिटी ऑफ होल्स, वी टी थर्मल वोल्टेज 26 मिली वोल्ट एट 300 डिग्री कैल्विन. टोटल करंट डेंसिटी इन अ सेमी कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज द सम ऑफ डिफ्यूजन करंट डेंसिटी. ये डिफ्यूजन क्या बोलते हैं, ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का सम होता है. डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एंड प्लस ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का होता है. ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है. मतलब आप कह दो डी एन बाई डी एक्स कह दो. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जे इज इक्वल टू ई म्यू एन एन ई प्लस ई डी एन डी एन बाई डी एक्स. तो ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है, दिस इज योर डिफ्यूजन करंट डेंसिटी बिकॉज देर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस एंड एनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. जब हम इसमें डी एन की वैल्यू रखेंगे उसमें, तो हमारे पास डी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एन के टी बाई क्यू. यहाँ से जब हम रखेंगे तो म्यू एन इंटू के टी बाई क्यू होगी. तो आपका जो आंसर होगा, एक तो ये सही है, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट की वजह से है और ये डिफ्यूजन की वजह से है. इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी पूछ रहा है तो ये नहीं होगा. और दूसरा q म्यू एन एन ई प्लस के टी बाई क्यू, यहाँ पे आपने डी एन की वैल्यू रख दी, ये होगा. तो ये आंसर आपका सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेआउट ऑफ एनमॉस इन्वॉल्व्स अ सबसेट ऑफ द लेयर्स एंड फीचर्स सेट आउट फॉर एनमॉस वी रिक्वायर. हमें क्या चाहिए, एंड देखिए स्टिक डायग्राम आपने कभी बनाया है, स्टिक डायग्राम इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेआउट ऑफ ट्रांजिस्टर. इसमें देखो जैसे एन डिफ्यूजन होता है, मैं बता देती हूँ, जैसे ये लेयर है, यहाँ पे कलर है, ये आपने पढ़ा होगा बीटेक में. यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंटेशन लिख देती हूँ, मैं मार्कर भी चेंज कर देती हूँ, रुकिए लेट मी हम ये कर देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एन डिफ्यूजन है, इधर यहाँ एन डिफ्यूजन है, इधर पी डिफ्यूजन है, यहाँ पॉली सिलिकन है, यहाँ पे मेटल वन है, यहाँ पे मेटल टू है, सॉरी मेटल वन, दोनों मेटल है, यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे बरिड कॉन्टैक्ट है, बरिड कॉन्टैक्ट है, फिर यहाँ पे इम्प्लांट है. तो यहाँ पे कितने कितने पॉइंट्स हो गए, इधर कितने स्ट्रक्चर्स हो गए. मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर लिख देती हूँ ब्लू वाला. ठीक है, तो कलर एंड डिफ्यूजन में आता है ग्रीन, पी डिफ्यूजन में येलो, पॉली सिलिकन में रेड, मेटल वन में ब्लू, मेटल वन दोबारा से मैजेंटा, मैजेंटा होता है, कॉन्टैक्ट में ब्लैक, बरिड कॉन्टैक्ट में ब्राउन एंड इम्प्लांट में डॉटेड येलो, डॉटेड येलो. तो यहाँ पे जो है ग्रीन तो आपको पता ही है, अगर मैं इधर से करूँ तो ग्रीन कौन सा हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया, सॉरी अगर मैं, प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा ये माउस खो गया है, तो ये एक दूसरा माउस है, इसकी वजह से जैसे ये है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया. फिर येल्लो चाहिए मुझे, तो येल्लो के लिए मैंने ये कर दिया, ये येल्लो हो गया. फिर रेड चाहिए मुझे, तो रेड के लिए मैं, ये तो पिंक लग रहा है आई थिंक, कौन सा चाहिए आपको, रेड, तो रेड के लिए आपको मैंने पॉली सिलिकन के लिए रेड कर दिया. ठीक है, फिर ब्लू के लिए अगेन आपको ब्लू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया. फिर आपको मेजेंटा, मेजेंटा जो होता है आपका मेजेंटा, ये वेलवेट कलर का होता है, तो मैं इसको ये वाला कर देती हूँ. ठीक है, ये मेजेंटा होता है. ब्लैक में आपको पता है ब्लैक, ब्लैक कलर कैसा होता है, तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर हो गया. ठीक है, यहाँ पे ब्राउन कलर चाहिए मुझे, तो ब्राउन कलर के लिए इधर तो नहीं है मोर कलर्स में, ब्राउन मैं चलिए ये कर देती हूँ, ये आपका ब्राउन कलर, ओ सॉरी यहाँ पे आप ब्राउन लिख देना, ये ब्राउन कलर नहीं है, ब्राउन कलर. ठीक है, और डॉटेड येलो कैसे बनाएंगे आप, इम्प्लांट में, सॉरी यहाँ पे आपका एक और आएगा एनवेल भी आएगा, एनवेल आएगा, तो यहाँ पे ये डॉटेड ग्रीन आएगा, डॉटेड ग्रीन और ब्लैक आएगा. तो यहाँ पे जैसे डॉटेड येल्लो है आपका, तो डॉटेड येल्लो है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मुझे येलो बनाना है, तो मैं इधर से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे, सॉरी यहाँ पे ना एक्चुअली मेरे माउस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे ऐसे करके ये येलो बनाना है. फिर
ग्रीन या ब्लैक ले सकते हैं आप, इससे इम्प्लांट है और दूसरा एक एनवेल है। तो ये मैंने आपको भी एक टेबल बताई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन करना है, या आप नोट कर लो कि लेयर्स के कलर और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। अब लेयर ऑफ एनमॉस के लिए एनालिसिस क्या करना है, एंड डिफ्यूजन ग्रीन है, इम्प्लांट येल्लो है, पॉलीसिलिकन रेड है, तो केवल ये तीन स्टेटमेंट सही होंगे। अगर मुझे इसका वो बनाना होगा, मैं मतलब आपको बता देती हूँ कैसे बनेगा। देखिए स्टिक डायग्राम मुझे बनाना है एनमॉस इन्वर्टर का, तो कैसे बनेगा, ठीक है, ये आपको जैसे ये आप जो है ये होमवर्क है आपका, ये कॉपी में बनाइए। ये इसका थोड़ा डिज़ाइनिंग बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। ये उसमें पकनल की बुक में दिया है VLSI की, तो ये आप देख लीजिएगा। ग्राउंड जैसे मैंने बताया एंड डिफ्यूजन के लिए ग्रीन है, पी डिफ्यूजन के लिए येल्लो है, पॉलीसिलिकन के लिए रेड है, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो एनीवे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए बी और सी होगा। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा होगा, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।